बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेन हमारा जो मकसद है वो क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम सबसे पहले किस चीज़ को देखते हैं वी लुक एट द वैल्यूज ऑफ द रिटर्न फ्यूचर जो रिटर्न आ रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको हम देख के फैसला करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो जब आप रिटर्न की वैल्यूज़ को अकाउंट फॉर करते हैं इस चीज़ को फैसला करने के लिए कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो देर इज़ अनादर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिटर्न सो वेन द इन्वेस्टर्स हैव टू डिसाइड कि वो इन्वेस्ट करें या नहीं या फाइनेंशियल एनालिस्ट है उसने डिसाइड करना है कि वो फला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें कंटिन्यू करते रहें इन्वेस्ट करने के लिए या इसमें से पैसा निकाल लें तो एक जो डायमेंशन उनको देखनी पड़ती है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिटर्न जो आपको ऑलरेडी मिल गए हैं आप उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते हैं अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम या स्टेटिस्टिकल फंक्शन है जिसमें हम दो चीजें काउंट फॉर करते हैं एक रिटर्न की वैल्यूज दूसरा उस रिटर्न को हासिल वो रिटर्न हमें मिलेगा पचास रुपए का सौ रुपए का डेढ़ सौ का दो सौ का फ़ायदा होने वाला है उसका हमने हिसाब लगाना होता है कि इसका चांस क्या है यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें अभी मैं सौ रुपया डाल दूंगा तो एक माह के बाद ये एक सौ दस रुपये का हो जाएगा उससे अगले महीने मसलन 120 का हो जाएगा फिर ये अस्सी रुपये का हो जाएगा फिर ये पाँच सौ का हो जाएगा तो अब जो 500 का होगा या अस्सी रुपये का हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस क्या है वॉट इज़ द लाइकलीहुड सो हम उसके उसके जो ओवरऑल प्रीवियस की जो मूवमेंट्स होती हैं हिस्ट्री हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होती हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स होते हैं मार्केट की बिहेवियर होती है इन तमाम चीज़ों को अंदाज़ा लगाकर प्रॉबिलिटीज को अकाउंट फॉर किया जाता है तो आपने दो चीजें लेनी है द फर्स्ट वन इज द रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अगले इट कैन बी मंथली इट कैन बी इट कैन बी बाई एनुअली फाइन इट कैन बी डेली इवन तो आपने रिटर्न लिया और रिटर्न ये रिटर्न होगा इसकी चांस क्या है तो आपने इसका मतलब है रिटर्न की वैल्यू लेनी है और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेनी है और सारे रिटर्न्स को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ में अकाउंट फॉर करके आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनती है और इसकी शक्ल कैसी होती है जो शेप है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये डिपेंड करती है कुछ अहम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा पे और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं डेटा के नंबर वन आपको पता है मीन हम लेते हैं वी कैन टेक इंटू अकाउंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फिर हम स्क्यूनेस को नापते हैं फिर हम कर्टोसिस को देखते हैं तो स्क्यूनेस बताती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है या नहीं कर्टोसिस बताती है इसकी ऊंचाई कितनी है स्टैंडर्ड एवियशन बताता है ये इसका स्प्रेड क्या है और मीन बताता है इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो किधर आता है तो बेसिकली वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न वॉट इज मेड बाय द प्रोबीबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न और मैंने भी आपको बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इं अकाउंट द प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न वाई बिकॉज जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है जो फाइनेंशियल डेटा को रीड करने वाला आदमी है अंडरस्टैंड करने वाला आदमी है उसकी बेसिस पे एनालिसिस करने वाला आदमी है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसका ये रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फाइन देअ दिस इज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं दे यूज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू एंटिसिपेट द रिटर्न के फ्यूचर में वैल्यूज क्या होने वाली हैं और उनकी चांसेस क्या होंगी एंड दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूज फॉर हैजिंग हेजिंग हमें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट को फटाफट किसी को बेच देना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए तो हेजिंग के पर्पज के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक स्टॉक जिसका नाम हम जेनको ले रहे हैं उसकी मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न और उसकी प्रोबेबिलिटी की तीन वैल्यूज़ दी गई हैं कि जब इकॉनॉमी नॉर्मल परफॉर्म कर रही है इकॉनॉमी वीक परफॉर्म कर रही है इकॉनॉमी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है तो जेनको स्टॉक का रिटर्न फोरकास्ट किया है कि ये वैल्यूज़ होंगी फाइन तो हम हाइपोथेटिकल सी एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट टू एक्सप्लेन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है फाइन तो हमने देखा कि नॉर्मल में अगर जेनको का रिटर्न टेन परसेंट हमने एस्टिमेट किया है और जब इकॉनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी तो हम एज्यूम करें कि जेनको के स्टॉक की ऊपर हमें रिटर्न यानी कि मुनाफा तीस फीसद मिलेगा और अगर इकोनॉमी वीक हो जाती है तो उस वक्त हमें जेनको के स्टॉक पे माइनस टेन परसेंट लॉस हो जाएगा रिटर्न माइनस टेन परसेंट आ जाएगा इन तमाम चीजों को साथ में आपने उनके होने का चांस यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि लाइक्लीहुड को भी अकाउंट फॉर कर लिया तो हम कह रहे हैं अच्छे वक्त आने पर इकोनॉमी स्ट्रांग होने पे थर्टी परसेंट रिटर्न मिलेगी इसकी चांस ट्वेंटी परसेंट है और नॉर्मल हालात में हमें दस रिटर्न मिलेगा इसकी चांस या प्रोबेबिलिटी साठ फीसद है और जब इकोनॉमी बुरा चल रही होगी उस वक्त इस रिटर्न पे हमें दस फीसद नुकसान होगा यानी कि रिटर्न माइनस टेन परसेंट हो जाएगी इसके होने के चांसेस ट्वेंटी परसेंट है राइट तो आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न लेना है और इन दोनों वैल्यूज को लेके आपने एक ग्राफ बनाना है जिसमें प्रोबेबिलिटीज को लेना है आपने वर्टिकल एक्सेस के ऊपर और रिटर्न्स की जो वैल्यूज हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की वैल्यू लेनी है आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर तो एज यू कैन सी हियर जैसे हमने बोला कि नॉर्मल डेज के अंदर देर आर सिक्सटी परसेंट चांसेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ये अभी टेबल में मैंने आपको दिखाई थी देर आर सिक्सटी परसेंट चांसेस दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी टेन परसेंट तो आप देख सकते हो कि वी हैव आ सिक्सटी परसेंट प्रॉबिलिटी कैन बी सीन हेयर इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रही है और इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नुकसान होने का माइनस टेन परसेंट का रिटर्न है उसका प्रॉबीबिलिटी काफ़ी कम है विच इज़ ट्वेंटी परसेंट वो आपको लेफ़्ट साइड वाले बार में देखने को मिल रहा है राइट साइड वाले बार में आपको पता चल रहा है कि प्लस हमारे पास थर्टी परसेंट रिटर्न होने की चांसेस भी ट्वेंटी परसेंट है सो so, हम इन ऑर्डर टू ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न वी नीड टू हैव टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रोबिलिटीज एंड द रिटर्न द पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न और उन दोनों को आप अकाउंट फॉर करके इस तरह से प्रॉबीबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं